दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय पिक्सटून्स एनिमेशन स्टूडियो। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज चैनल। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक आज, बदल सकता है मॉडल निकाहनामा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की 3 दिवसीय बैठक आज से हैदराबाद में होगी। इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। सूत्रों के मुताबिक बैठक में पर्सनल लॉ बोर्ड के मॉडल निकाहनामे में संशोधन करने की बात कही जा रही है। बैठक में सभी काजियों को बताया जाएगा कि वो निकाह पढ़ाते वक्त निकाहनामे में ये पॉइंट भी शामिल करेंगे कि मियां बीवी दोनों ट्रिपल तलाक इन वन सिटिंग का इस्तेमाल नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर होगा अमल। मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले पर पूरी तरह से अमल किया जाएगा। निकाहनामे में हो सकता है संशोधन। हैदराबाद में 9 से 11 फरवरी तक होने वाली ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। इन मुद्दों में सबसे अहम 3 तलाक का मामला है। बताया जाता है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मॉडल निकाहनामे में संशोधन किया जा सकता है। मौलाना खालिद रशीद फिरंगी लखनऊ से हैदराबाद के लिए निकल गए हैं। इस दौरान मौलाना खालिद ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसलों पर पूरी तरह से अमल में लाया जाए। सरकार त्रुटियां ठीक करे तब करेंगे बिल का स्वागत, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने गुरुवार को कहा कि अगर सरकार सभी त्रुटियों को दूर कर देती है तो वह 3 तलाक को प्रतिबंधित करने वाले विधेयक का स्वागत करेंगे। मुद्दे पर रणनीति की रूपरेखा प्रस्तुत करने के लिए अपने पूर्ण अधिवेशन से एक दिन पहले बोर्ड ने यह स्पष्ट कर दिया कि वह विधेयक के खिलाफ नहीं है, लेकिन यह वर्तमान के प्रारूप के साथ इसको स्वीकार नहीं करेगा। बोर्ड सचिव मौलाना खालिद सैफुल्ला रहमानी ने बोर्ड के सदस्य असदुद्दीन ओवैसी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार कानून के माध्यम से तलाक की प्रक्रिया पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास कर रही है और मुस्लिम पतियों को तलाक के अधिकार से वंचित कर रही है। सभी इस्लामिक विचार मंचों का प्रतिनिधित्व करने वाले बोर्ड ने कहा कि हमारे अध्यक्ष द्वारा लिखे गए पत्र, हमें अभी तक प्रधानमंत्री कार्यालय से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। पत्र में प्रधानमंत्री का ध्यान इस विधेयक के दोषी की तरफ दिलाया गया था और अपने विचारों को पेश करने के लिए मिलने की मांग की गई थी। धन्यवाद।